विकास कर्मचारी संयुक्त मंच जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संयुक्त मंच जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी संयुक्त तो संरक्षक है ही आप दीजिए आप लोगों का कार्यक्रम, हम तो आपको समर्थन निश्चय करेंगे। आजमगढ़ जिले में मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रांगण में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी गणराज, सरकार के सरकारी विभागों, निगमों, निकाय एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी अधिकारीगण एवं शिक्षकों ने ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर विद्युत कर्मचारियों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न एवं दिनांक 3 दिसंबर 2022 को कर्मचारी संगठनों एवं ऊर्जा मंत्री के साथ किए गए समझौते को लागू न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई वापस करने हेतु एवं समझौता एवं अन्य मांगों पर कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगमों के चेयरमैन देवराज को दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन हो सके। राज्य निगम निकाय कर्मचारी संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि 2 अप्रैल 2023 तक विद्युत कर्मियों के साथ हुआ समझौता लागू न किया गया और दंडात्मक कार्रवाई या तत्काल वापस नहीं ली गई तो प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी शिक्षक आगे आएंगे और कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की। अच्छा, अपना पद बताइए। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। बिजली विभाग के लोगों ने 2 अप्रैल को समझौता हुआ था, जब हड़ताल हुआ था, कि उन लोगों का जो मांगे हैं, कोई भी हड़ताल जब वापस लेता है तो सरकार ये समझौता करती है कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, आपका किसी का सस्पेंशन नहीं होगा। उन सब चीज़ों पर हम लोगों अब तक वेट किया और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके प्रत्यक्ष में आज हम लोग एक दिवस हर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर आप लोग ये हमारी मांगों को नहीं माने, हमारे समझौता को लागू नहीं किए, तो प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी सब एक बैनर तले आकर के हड़ताल करेंगे, तो इसका पूरा उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार।